जैसे पश्चिम बंगाल में जूट किसानों के लिए पास में ही जूट आधारित उद्योगों को और मजबूती दी जाएगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अपार संपदा जुटाने वाले आदिवासी साथियों को उनके क्षेत्र में ही आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बांबू और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी क्लस्टर्स बनेंगे। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। साथियों, आप सभी नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत में इतने दशकों से काम कर रहे हैं, सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं इनका बहुत बड़ा लाभ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि कोलकाता भी खुद फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। अपने पुराने गौरव से प्रेरणा लेते हुए भविष्य में कोलकाता पूरे क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर सकता है। आपसे बेहतर और कौन जानता है कि जब श्रमिक पूर्व के, संपत्ति पूर्व की, संसाधन पूर्व के, तो इस क्षेत्र का विकास कितनी तेज गति से हो सकता है। साथियों, 5 साल बाद यानी वर्ष 2025 में आपकी संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। वहीं वर्ष 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये आपकी संस्था के लिए, आपके प्रत्येक सदस्य के लिए, आपकी कोई भी औद्योगिक इकाई हो या व्यापारिक इकाई हो, बेहतरीन समय है एक बड़ा संकल्प लेने का। मेरा आपसे आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को चरितार्थ करने के लिए आईसीसी भी अपने स्तर पर 50-100 नए लक्ष्य तय करें। ये लक्ष्य संस्था के भी हो, इससे जुड़े हर उद्योग और व्यापारिक इकाई के भी हो और हर व्यक्ति के भी हो। आप जितना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही ये अभियान पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ेगा, जो देश को भी आगे ले जाएगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल की ऐतिहासिक श्रेष्ठता को हमें पुनर्जीवित करना रहेगा। हम हमेशा सुनते आए हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। हमें इससे प्रेरणा लेते हुए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है।
साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए, कोरोना काल से संघर्ष करते हुए आज आपने इस एजीएम में जो पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट का विषय उठाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये तीनों एक साथ फ्लरिश कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे भारत में हमने एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अभी एलईडी बल्ब अपने आप में एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। 5-6 वर्ष पहले एक एलईडी बल्ब 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता था, आज वही बल्ब 50 रुपये तक में मिल जाता है। आप सोचिए, कीमत कम होने से देश भर में करोड़ों करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब घर घर पहुंचे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं। ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इससे लाभ किसको मिला है? पीपल को, आम देशवासी को, जिसका बिजली का बिल कम हुआ है। एक मोटा मोटा अंदाज में लगा सकता हूं, आज प्रतिवर्ष एवरी ईयर देशवासियों के करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल में एलईडी की वजह से बच रहे हैं। 19,000 करोड़ रुपए आपके जेब में बचना, ये बचत गरीब को हुई है, ये बचत देश के मध्यम वर्ग को हुई है और लगातार होने वाली है। इसका लाभ प्लेनेट को भी हुआ है। सरकारी एजेंसियों ने जितने एलईडी बल्ब कम कीमत पर बेचे हैं, अकेले उससे ही हर साल करीब करीब 4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ है। यानी प्रॉफिट दोनों को है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उत्पादक भी कमाता है, विक्रेता भी कमाता है और खरीदार भी कमाता है, और प्लेनेट का तो भला हुआ ही हुआ है। अगर आप सरकार की अन्य योजनाओं और फैसलों को भी देखें तो बीते 5-6 वर्षों में पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट का ये कंसेप्ट जमीन पर और मजबूत हुआ है। अब जैसे अभी आपने भी देखा है कि कैसे सरकार का बहुत ज्यादा जोर इनलैंड वाटरवेज पर है। हल्दिया से बनारस तक तो वाटरवेज चालू हो चुका है। अब मैं बनारस का एमपी हूं, इसलिए मुझे आपसे जुड़ने में आनंद भी आता है। अब वो चालू भी हो चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी वाटरवेज बढ़ाया जा रहा है। इन वाटरवेज से पीपल का फायदा है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होता है। इन वाटरवेज से प्लेनेट का भी फायदा है, क्योंकि इससे ईंधन कम जलता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को